नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि अभी बहुत चर्चा थी ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के बारे में, तो उसी के बारे में मैं खबर लेकर आया हूँ, ये जो सूचना मुझे मिली है। और दोस्तों कुछ सूचना अच्छी है और कुछ ख़राब है। अच्छी इसलिए है कि ये जो भर्ती है ये आएगी, दो चार दिन में इसका विज्ञापन आ जाएगा। और दुखद ये है कि सीटें बहुत कम हैं, जितना सुनने में आया था उससे बहुत कम सीटें हैं दोस्तों। तो ये असल में कल अधीनस्थ की बैठक थी, बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि ये जो वैकेंसी इसी दो चार दिन में निकाली जाए। ये पेपरों में भी आज आया हुआ है। ये देखिए 1953 पदों पर भर्तियाँ करेगा अधीनस्थ सेवा आयोग। दोस्तों इतने बड़े प्रदेश में इतने सारे विद्यार्थी हैं और इतने कम पद, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, भाजपा सरकार बनने के बाद कई महीने तक निष्क्रिय रहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुनर्गठन के बाद गति पकड़ ली है। आयोग जल्द ही विभिन्न विभागों में 1953 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। विज्ञापन इस माह के अंत तक जारी हो जाएंगे। आयोग इससे पहले व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 694 पदों पर आवेदन ले चुका है। उत्तर प्रदेश, ये देखिए लिखा हुआ पूरा नीचे जो लिखा हुआ है कि बुधवार को आयोग की बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 1527 पद वीडियो के, देखिए ये जो है इसमें से टोटल आने थे 2500, अब ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दो पद थे, इसमें केवल ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन निकाला है और वो रुक गया है अभी। तो ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण का इसमें दिया हुआ है, इसके केवल 362 पद हैं, उस जबकि 900 बताया गया था पिछली बार। और पर्यवेक्षक समाज कल्याण के 64 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की हरी झंडी दे दी गई है। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने बताया कि इस महीने के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएंगे, मतलब मई में ही दो चार दिन में इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, कुछ भी सही, बस हर महीने विज्ञापन आना चाहिए और वैकेंसी आती रहनी चाहिए। और आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को एक माह का अवसर मिलेगा। परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी चल रही है, हालांकि ऑफलाइन के विकल्प भी खुले रखे गए हैं। दोस्तों ये तो उस पर डिपेंड करेगा फार्म कितने पड़ते हैं, और फॉर्म इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों फॉर्म पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर लाखों फॉर्म पड़ेंगे तो ऑनलाइन कराना मुश्किल हो जाएगा, और ये परीक्षा ज़्यादा संभावना है कि ऑफलाइन ही होगी। तो दोस्तों ये जो खबर थी मैंने आप लोगों को दे दिया कि दो चार दिन में इसका विज्ञापन आने वाला। कई दिन से लोग पूछ रहे थे कि सर आप कह रहे थे कि मई में ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन आएगा, अभी तक नहीं आया। तो मायूस मत होइए और ये आ जाएगा, भले ही कुछ पद कम हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी होता है, 1527 पद भी काफ़ी होता है, कुछ कम नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरीके की खबर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की विभिन्न आयोगों की सूचनाएँ तुरंत मिलती रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें।